थाना कैंट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सातिर वाहन चोरी करने वाले चोर गिरोह को अपनी गिरफ्त में लिया है, जिसके पास से चुराए हुए 15 दोपहिया वाहन जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है उसे जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर तीनों ने उक्त हीरो होंडा स्प्लेंडर के अलावा अन्य 14 मोटरसाइकिलें थाना कैंट गोरा बाजार गोरखपुर तीन पत्ती पुल नंबर 2 के पास से चुराना स्वीकार करते हुए कुछ मोटरसाइकिलें अपने घरों में छुपाकर एवं कुछ मोटरसाइकिलें बेचना स्वीकार किया है। साथ ही चुराए हुए वाहन खरीदने वाले 5 खरीदारों को अभिरक्षा में लेते हुए सभी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कैंट थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। कैंट थाना पुलिस के द्वारा चुराए गए 15 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इसके साथ ही साथ 3 जो आरोपी हैं चोर, उनको भी राउंड अप किया गया है। इसके अलावा 5 ऐसे लोग हैं जो चोरी की मोटरसाइकिलें उपयोग कर रहे थे और बेचने का कार्य भी करते थे, ऐसे 5 लोग भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें कल की ये घटना है, थाना प्रभारी कैंट श्री विजय तिवारी को इस बात की सूचना मिली कि सृजन चौक में 3 लड़के एक मोटरसाइकिल लेकर खड़े हैं, जो ऐसा लग रहा है, मुखबिरी ने बताया कि ये मोटरसाइकिल चुराने का बेचने का काम करते हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा सृजन चौक में घेराबंदी करके इन 3 बदमाशों को राउंड अप किया गया, पकड़ा गया, पूछताछ की गई। पूछताछ करने में उनके द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से ये 15 मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किए गए। लगातार कार्रवाई की गई, 2-3 टीमें बनाकर लगातार बरामदगी की कार्रवाई की गई। उसमें ये 15 मोटरसाइकिलें अब तक बरामद हो चुकी हैं। इसमें 10 मोटरसाइकिलें शहर के विभिन्न थानों में, कैंट में, गोरखपुर में और ओमती में, ऐसा अलग अलग थानों में इनके संबंध में केस दर्ज है। शेष 5 मोटरसाइकिलों के संबंध में अभी पता की जा रही है कि ये मोटरसाइकिलें किन थाना क्षेत्रों से संबंधित है। इस तरह कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद करने में एक महत्वपूर्ण सफलता, जिसकी कीमत कुल 8 लाख रुपए है, मशरूका जो जब्त हुआ है।